आपसे मैं पूछता हूँ, हाँ। आप यदि राजनीति, क्या अगर राजनीतिक व्यक्ति, क्या उसके जीवन में एक ही बात है कि कोई किसी से मिलने आ रहा है तो उससे मिला नहीं जाएगा? अनीता मैडम, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके कानून सही थे, किसानों का आंदोलन गलत था और जनता ने एक बार फिर से आपको मौका दे दिया, जो रुझान बता रहे हैं, जो हमारे मित्र बता रहे हैं। एक मिनट अनीता, अनीता जी, अनीता अग्रवाल जी का ऑडियो। किसान हमारे साथ थे, किसान हमारे साथ हैं, क्योंकि थोड़ा सा किसानों को थोड़ी सी नाराजगी जो होती है, लेकिन किसान ऐसा नहीं कि भाजपा को नहीं वोट देंगे, हमें पूरा भरोसा था किसान हमारे साथ खड़े हैं, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं और हम जनता के साथ हैं। किसानों किसान भी जानते हैं, कुछ किसान नेता जो विरोधी थे, लेकिन किसान विरोधी नहीं थे हमारे। किसानों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, पहले भी किया, आज भी किया और आगे भी करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर जनता के साथ, किसानों के साथ कोई पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। तो ये प्रमाण पत्र मिल गया आपको, ये प्रमाण पत्र मिल गया कि भैया? नहीं नहीं, प्रमाण पत्र नहीं, मैं कह सकती इसको, उनको भरोसा कह सकते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है हम पे, उनको भरोसा है हम पे। प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, भरोसे की जरूरत है। लेकिन भार्गव जी, भरोसा है भार्गव जी, एक बड़ी खबर आ रही है कन्नौज से, कन्नौज से बीजेपी की असीम अरुण आगे, कन्नौज से, समझ रहे हैं आप, कन्नौज से बीजेपी की असीम अरुण आगे। और बड़ी खबर, ये तस्वीरें भी देखिए, योगी सरकार एक बार फिर से, ये तस्वीरें आ रही है, दिलचस्प तस्वीरें उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं और जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर बीजेपी योगी बाबा 300 के पार दिखाई दे रहा है पोस्टर में, एक बार फिर से योगी सरकार। पट्टी से बीजेपी के मोती सिंह आगे, आगरा से बीजेपी की बेबी रानी आगे, मथुरा अयोध्या से बीजेपी आगे, रुझानों में बीजेपी को बहुमत और 45 साल में सबसे बड़ा मत प्रतिशत दिखाई दे रहा है बीजेपी को। और हाथरस से बीजेपी आगे, गोरखपुर की 9 की 9 सीटों पर बीजेपी आगे। भार्गव जी, जी सुन रहे हैं आप, पोस्टर बैलेट है या ईवीएम भी खुल गया है? तिलक भाई, हमें जानकारी, अब तो ईवीएम खुल गया होगा, अब क्या नाश्ता पानी थोड़ा चल रहा होगा? नहीं, हो सकता है नाश्ता पानी, बीजेपी नाश्ता पानी कराने में आ गया भाई। हाँ। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। गोरखपुर 9 की 9 कराया है। नहीं, ये तो अगर देखिए, अगर बैलेट पेपर है तो अलग बात है, अगर ईवीएम खुल गया है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम फिर बता रहे हैं कि जिन मुद्दों को लेकर के आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी की सत्ता को लाल लात मार करके हम बाहर आने का काम किए, हमने जनता को बताने का काम किया। आप अपने आप को शहीद मत ठहराओ, अब आपने आपको शहीद मत ठहराओ, बात नहीं कर रहा हूं, सीधा मुद्दे पे आओ। हम वोट का दिन है, आज भी कह रहे हो हाय राम हमने ये कर दिया, हाय राम वो कर दिया। अब जो कर दिया, जनता ने वोट दे दिया ना, अब उस पर आओ। नतीजे क्या कह रहे हैं? नतीजे ये कह रहे हैं भार्गव जी, आपने कहा कि राजभर जी डिप्टी सीएम बनेंगे, आप बताइए 10-10 डिप्टी सीएम बना रहे थे 20-20, आप अपनी सीट पे लाले पड़ गए। तिलक भाई हमने कहा ना, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार आपके आशीर्वाद से बन जाए तो वो भी संभव है। हम तो भागीदारी संकल्प मोर्चा की बात पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ। वो चर्चा अगर आपके आशीर्वाद से हो जाए तो अच्छी बात है। अब अच्छा। रही बात, इस समय हम अखिलेश यादव को सीएम बना रहे हैं 2022 में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। रुझानों से अभी आप देखते रहिए, 2:30 बजे का जरा 2:30-3 तो बजने दीजिए। अनीता जी कह रही है घर वापसी कर लो तो सही है, अभी भी घर वापसी नहीं 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 बीजेपी में जेका मरे कोई उचाए भाई। अच्छा। बीजेपी तो चूस के खून, जोन है जोन खून हो था शरीर में का चूस के उसका हाड़ मास खत्म कर देता है, सीधी सी बात है। ये बीजेपी वो पार्टी है जेका मरे को जाए, हम इस बार बंगला दे देंगे, ये मैं सिफारिश कर देता हूँ, बंगला ये क्या, इस बार बंगला दे देंगे। उसी दूबे 4 रात की दुल्हन 1.5 साल से तो जेल में है तिलक भाई, ये क्या न्याय देंगे? नहीं मैं आपके, उसके पिताजी रंग रोगन आपके लिए बंगले की सिफारिश हो सकती है। मैं जाके स्वयं उसके पिताजी के घर पे मिलके आया, स्थिति इतनी दयनीय है, आपका कैमरा जाएगा तो आपको लगेगा एक गरीब मजलूम की बेटी 1.5 साल से जो उसको बेल नहीं मिल रहा है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है। वही देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा 9 लोगों का हत्यारा,
जो पैसे से अनिता अग्रवाल जी, चार महीने में अनिता अग्रवाल जी अपनी बात रखिए, फिर भूदेश शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस से। अनिता अग्रवाल जी का ऑडियो प्लीज। हमारे साथ पहले हमारे साथ थी तब हम ठीक थे, जब ये सपा के साथ गए तो हम खराब हो गए। इन्होंने हमारे साथ ही रहनी थी कि हमारे साथ ही रहे, उसके बाद ये सपा में चले गए। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर तो आरोप हम पे लगाते हैं। थाली में छेद कर दिया। देखिए श्रीमद भाई, हम 27 अक्टूबर 2021 को सपा से योगी 14,000 वोटों से 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। योगी 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गोरखपुर शहर से। भार्गव जी 15,000 वोटों से आगे, आप कह रहे थे कि उन्हीं के गढ़ में उनको हराएंगे। 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ। नहीं मैंने कहा तो सही, मैंने कहा भी रुझान ही तो है या ये क्लियर पिक्चर हो बता दो। 15,000 वोटों के लिए, 15,000 वोटों की लीड है। रुझान ही नतीजे में बदलेंगे, रुझान ही नतीजों में बदलेंगे। ये रुझान दिल्ली का भी रुझान देखा है, हमने पश्चिमी बंगाल का भी रुझान देखा है, हमने राजस्थान का भी देखा। थोड़ा तसल्ली रखे भाई, समय देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अरे आप अपना थोड़ा और सपने देख लीजिए। अच्छी खबर, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अखिलेश यादव 10,000 वोटों से करहल में आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं करहल से। करहल में अखिलेश यादव 10,000 वोटों की लीड ले चुके हैं। 10,000 वोटों, भार्गव जी अब तो यकीन है या 15,000 वाला वो माइनस कर दूं? नहीं मैंने कहा ये रुझान है, फिर कह रहा हूं रुझान है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे सीएम जो है योगी जी हो, मैंने कहा रुझान है, पिक्चर क्लियर होगा। एक बड़ी खबर लखनऊ से, बड़ी खबर प्लीज प्ले करिए, लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता बताए जा रहे हैं वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। क्यों चेक कर रहे हैं ये मालूम नहीं चला, लेकिन मतदान स्थल जाने वाली गाड़ियों को, हाँ मतदान स्थल जाने वाली गाड़ियों को वो चेक कर रहे हैं, मतदान स्थल जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। तस्वीरें भी है प्लीज, तस्वीरें भी प्ले करिए। तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर मतदान स्थल पर अधिकारियों की गाड़ियां चेक की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, लखनऊ की तस्वीरें इस वक्त की आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और गाड़ियां चेक की जा रही है अधिकारियों की। भार्गव जी ये क्या खेला हो रहा है, भार्गव जी क्या चेक कर रहे हैं? अनिता जी प्रूफों को तो मान लो, वहां के डीएम को और क्या नाम है सस्पेंड किया गया चुनाव आयोग ने। ना ना ये क्या चेक कर रहे हैं भार्गव जी, भार्गव जी अभी रुझान आ रहे हैं इस तरह की हरकतें, इसमें भी आपको दिक्कत है। इस ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्पेंड कर दिया गया ना, के लोग किस तरह क्रिया करेंगे कि जनता को रोड पे आना। ना ना आपके कार्यकर्ता भार्गव जी, आपके कार्यकर्ता सड़कों पर है, ये क्यों है, क्यों है सड़कों पर ये तस्वीरें? मैं दोबारा दिखाऊं, लखनऊ की तस्वीरें दोबारा प्ले करिए इनके लिए। संविधान ये देश खतरे में तो रोड पे, मतलब ये संविधान बचा रहे हैं, अधिकारियों की गाड़ियां चेक कर रहे हैं, आपका काम है अधिकारियों की गाड़ियां चेक करना। नहीं तो आप बताइए बनारस में जो गाड़ियां ले गए क्यों नहीं बताया गया? ये गाड़ियां चेक कर रहे हैं आप, आपको कौन सी व्यवस्था पर यकीन है, आपको कौन सी व्यवस्था पर यकीन है, आपको कौन सी व्यवस्था पर यकीन है? नहीं नहीं आप बताइए डीएम को क्यों सस्पेंड किया गया, बताइए ना हमको। अच्छा बरेली को क्यों किया गया, बस्ती वाले क्यों किया गया, बताइए ना। हाँ सस्पेंड किया गया ईवीएम के साथ है, पोस्टल बैलेट के साथ जो कृतियां आई है वहां से। लेकिन आप इसे जायज मानते हैं, आप इसे जायज मानते हैं, आप इसे जायज मानते हैं? मैं कह रहा हूँ योगी सरकार के जो प्रशासनिक तंत्र है, कुछ तंत्र है जो सरकार के कहने पे अमल पे चल रहे हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए। अब 5 साल तो इंतजार करना पड़ेगा रुझानों के मुताबिक आपको। देखिए रुझान है, हमने कहा ना हम रुझान की बात कर रहे हैं। ओके बदले दीजिए भूदेव जी, के बाद हम आपको अभी पूर्वांचल की तस्वीर हेमंत लेकर पहुंचे। हेमंत मेरे साथ, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल की पूरी तस्वीर बताएंगे। लेकिन भूदेव शर्मा पहले आपके पास आ रहा हूं, ये अब की बार 300 पार 400 पार, लेकिन आपका जो मुझे दिखाई दे रहा आंकड़ा रुझानों में, आप तो 4 भी पार नहीं हो रहे साहब।